हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। आज मैं ये ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ कुछ समस्या आ गई थी, क्योंकि मेरी एग्ज़ाम चल रही थी जिसकी वजह से मैं टाइम पे वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रही थी। ये वीडियो और आने वाली जो भी वीडियोज है वो मेरे लिए काफ़ी खास है और आप बने रहिए इसलिए हमारे साथ। तीज का नहाए खाए कि सुबह सबसे पहले मैं नहा धो करके रेडी हो गई, मतलब मेरा मतलब है कि सिंदूर लगाने से था। तभी मेरी मम्मी पीछे से आवाज़ दे करके बुलाती है कि आ जाओ, चाय बन गई है, चाय पी आकर के पी लो, क्योंकि दिन की शुरुआत हर किसी की चाय से ही होती है और होनी भी चाहिए क्योंकि चाय की बात ही अलग है। फिर मैं मम्मी और सब कोई मिल करके चाय पीने लगे। देखो पापा योगा कर रहे हैं, ये रोज़ सुबह उठ करके 2 घंटे जो है योगा करते हैं। कब को मेरे इग्नोर कर रहे हो क्योंकि मुझे चाय में मलाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं उसे साइड कर देती हूँ। फिर मैंने ये चावल चुना जिसमें कुछ था नहीं, लेकिन मम्मी का मन नहीं मानता है तो वह रोज़ ऐसे ही चुनने के लिए बैठ जाती है। फिर मम्मी बोली तुम जाकर के पढ़ो। मैं तो उनकी आज्ञा को मान करके करती हुई क्या अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए निकल पड़ी। तो फिर मुझे याद आया कि चलो पढ़ाई तो हो गई है, अब मुझे ये भी तो मैं शादी मेरी हो चुकी है, मैं विवाहित हूँ तो मुझे अपने वैवाहिक कर्तव्य को भी तो पूरा करना होता है। तो फिर मैंने लगाया अपने पैरों में आलता, फिर मैंने पहना बिछुआ और जो भी होता है वो सब पहन के फिर मैं, और भी बहुत कुछ क्लिप था जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन मैंने अपनी माता श्री को लगाया मेहंदी जो कि काफ़ी खूबसूरत बना था। मैंने भी अपने हाथ में लगाया, एक हाथ में मतलब राइट हैंड में, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड से लिखती हूँ या फिर कुछ भी करती हूँ। तो मेरे यहाँ ऐसी प्रॉब्लम तो तब हुई ना कि मतलब ऐसी समस्या मेरे साथ होती है कि मैंने एक हाथ में तो लगा लिया मेहंदी और दूसरे हाथ में फिर मुझे लगाने का हो नहीं पा रहा था। तब मुझे याद आया कि कर्तव्य तो मेरे पति देव का भी है। फिर उन्होंने मेरे हाथ में 2 बजे तक बैठ करके मेहंदी लगाई। ये जो मेरे बाएं हाथ में मेहंदी लगी है वो मेरे पति देव ने लगाई है, जो मेरे से काफ़ी खूबसूरत है। पीछे का तो मैं लगाई हूँ, आगे का उन्होंने लगाया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।